तो ये रहा हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जो है कि थोड़ा सा टाइम वर्क के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं क्या है। टू वाटर टैप्स, दो वाटर टैप है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। मतलब क्या बोल रहा है कि दो वाटर टैप है, एक टैप वन है और एक टैप टू है, ये दोनों मिलके साथ में दोनों मिलके पूरे टैंक को कितना देर में भर दे रहा है, 9 होल 3/8 आवर्स में। इसका मतलब कितना है, 72 और 75/8, इतना आवर्स में भर दे रहा है। टैप वन और टैप टू मिलके पूरे के पूरे टैंक को, पूरा काम जो है लोगा वो काम पूरा कर दे रहा है, कितना घंटा में, इतना घंटा में। इतना जानना है क्या कि जो टैप वन है और टैप टू है वो अपने पूरे काम को, काम क्या है, टैंक को भरना, काम क्या है, वन यूनिट वर्क। अगर आप लोग वो वीडियो देखे हैं समझ में आएगा, नहीं तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक काम मतलब कोई भी आपको असाइंड किया गया है वही आपका एक यूनिट काम है। चाहे आपको एक पेज का होमवर्क मिला है या फिर एक एक्सरसाइज होमवर्क मिला है, चाहे पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक आपको होमवर्क मिला है, आपको असाइंड वर्क क्या मिला है। तो कोई बोलेगा हमको असाइंड वर्क मिला है पहला एक्सरसाइज, कोई बोलेगा हमको असाइंड वर्क मिला है पहला 4 एक्सरसाइज, कोई बोलेगा हमको पहला 4 चैप्टर, सारा एक ही वर्क है, सबको एक वर्क मिला है, वन यूनिट वर्क, ठीक है। तो इस दोनों टैप को मिला के कितना वर्क, एक यूनिट वर्क मिला है क्या कि टैंक को भरिए, वही उस लोग का, वो लोग का वर्क है असाइंड वर्क, और उसी को हम लोग बोलते हैं वन यूनिट वर्क। मतलब ये दोनों टैप मिलके वन यूनिट वर्क को 75/8 आवर्स में भर दे रहा है, ठीक है। टैप वन और टैप टू मिलके जो लोग का असाइंड काम है, वन यूनिट काम जो कि है टैंक को भरना, उसको वो कंप्लीट कर दे रहा है कितना, 75/8 आवर्स में। आगे पढ़ते, इतना समझ में आ गया, इतना दूर तक हो गया। द टैप ऑफ लार्जर डायर टेक्स 10 आवर्स लेस। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं एक लार्जर डाया है, इसको L मान लेते हैं और इसको स्मॉलर डाया मान लेते हैं। टैप वन जो है वो लार्जर डाया वाला है और टैप टू जो है स्मॉलर डाया वाला है, ये लेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द टैप ऑफ लार्जर डाया टेक्स 10 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब बोल रहा है जो स्मॉलर डाया अकेले अगर भरता उसी टैंक को, जो असाइंड वर्क था दोनों को मिला के, वो अगर अकेले टैप टू करता, मतलब स्मॉलर डाया वाला टैप करता, तो वो जितना टाइम लगाता उससे 10 घंटा कम लगाता, कौन, बड़ा डायामीटर वाला टैप। अरे सिंपल सा बात है, एक बड़ा सा टैंक है और एक ऐसा नल है पतला मुंह वाला, ऐसा कुछ ऐसा नल है पतला मुंह वाला, ये जितना देर में भर देगा, जितना देर में भर देगा, मान लीजिए 1 आवर्स में भर दे रहा है, या फिर मान लीजिए ये लगा रहा है 20 घंटा, तो एक बड़ा डाया वाला टैंक उतना ही बड़ा है, बट अब इतना बड़ा एक पाइप है, इतना बड़ा पाइप, तो ये भी क्या उतना ही देर लगाएगा, नहीं ये आधा लगाएगा, हो सकता है 10 घंटा, आधा मतलब 10 घंटा कम लगाएगा, जो भी लगाएगा ये उससे 10 घंटा कम। मतलब टैप, स्मॉलर डाया वाला जो टैप है वो जितना भी टाइम लगाएगा सेपरेटली पूरे के पूरे टैंक को भरने के लिए, उससे 10 घंटा कम लगाने वाला है बड़ा डाया वाला टैप। तो हम लोग कुछ ऐसा मान लें क्या, हम लोग कुछ ऐसा मान लेते हैं कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर डाया टैप, टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर डाया टैप, इसको कितना मान ले, एक्स आवर्स मान लेते हैं, ठीक है। और सिमिलरली टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाई लार्जर डाया टैप कितना, तो ऑब्वियस सा बात है ये अगर एक्स घंटा लगा रहा है तो बड़ा डाया वाला टैप कितना लगाएगा, 10 घंटा कम लगाएगा। मतलब ये एक्स, तो ये एक्स माइनस टेन आवर्स। इतना तो समझ में आ गया, बहुत ईजी है। कहाँ तक पढ़ लिया हम लोग, यहाँ तक, सेपरेटली तक, कि दो टैप मिलके स्मॉलर और लार्जर मिलके अगर काम करता है, एक वही काम को पूरा करता है, तो लोग को इतना देर लगता है। अगर स्मॉलर डाया वाला टैप अगर उसी टैंक को अकेले भरता हो तो उसको 1 घंटा लगेगा, अगर उसी टैंक को लार्जर डाया वाला टैप अकेले भरता है तो उसको इतना टाइम लगेगा। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिट द टैंक। मतलब टाइम बताइए कि कितना देर में स्मॉलर डाया वाला टैप भर देगा सेपरेटली, और कितना टाइम लगाएगा यह लार्जर डाया वाला टैप उसको भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए सेपरेटली। मतलब आपको एक बार खाली एक्स निकालना है बस, और एक्स निकालना, कुछ नहीं निकालना, क्योंकि एक्स निकल जाएगा तो पहला आंसर होगा और उसमें से 10 माइनस कर देंगे दूसरा आंसर भी आ जाएगा। मतलब ओवरऑल क्या निकालना है, बस एक्स निकालना है। पहले क्वेश्चन समझ में आया, दो को टैप था, दोनों टैप को एक ही काम असाइन किया गया था, एक यूनिट वर्क,
कि आप लोग टैंक को भरिए, दोनों टैप, स्मॉलर डाय वाला टैप और लार्जर डाय वाला टैप दोनों मिलकर भर दिया टैंक को, असाइंड वर्क जो वन यूनिट वर्क था उसको कंप्लीट कर दिया 75/8 आवर्स में। और बोला गया कि, और क्या क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉलर डाय टैप अगर अकेले भरता उसी टैंक को तो वो लगाता एक्स घंटा, अगर लार्जर डाय वाला टैप उसी टैंक को भरता तो अकेले भरता तो उसको 10 घंटा कम लगता था, 1-10 आवर्स। तो बताइए ये सही में एक्स कितना होगा, ये 1-10 कितना होगा। चलिए समझते हैं थोड़ा सा टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट्स के बाद आते हैं इसमें। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना है तो ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को। ये वाला पार्ट भी लिखना है ऐसे कि टाइम टेकन टुगेदर, टाइम टेकन बाय टैप वन एंड टैप टू टुगेदर इक्वल्स टू 75/8 आवर्स, ये भी लिखना है, स्टेटमेंट इतना तो लिखना है पहले। ठीक है, हो गया, लिख लीजिए, हो गया, मिटाओ मैं इसको। ओके, तो हम लोग का जो गिवन है वो हम लोग थोड़ा साइड में छोटा करके लिख लेते हैं, क्या क्या छोटा करके क्या लिख लिए हम लोग, छोटा करके इतना लिख लिए की छोटा करके लिख लेते हैं यहाँ पे इस साइड पर कि टैप लार्जर डाया वाला, टैप स्मॉलर डाया वाला दोनों मिलके जो भर रहा है वो 75/8 आवर्स में भर रहा है। लार्जर स्मॉलर डाया वाला टैप x घंटा लगा रहा है और लार्जर डाया वाला टैप x-10 घंटा लगा रहा है। इतना हम लोग अभी तक पता किए, उस चीज़ को आप लोग लिखना है स्टेटमेंट वाइज, इसको हम लोग साइड में रख लिए ताकि आगे समझेंगे। अभी मान लेते हैं एक चीज़ कि वन यूनिट वर्क, ये सब का कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क कैसे काम करता है वो वीडियो अगर देखे तो ठीक है, नहीं तो इसको अभी थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में डील करेंगे। मान लीजिए 10 दिन आपको दिया गया, 10 डेज, और ये देखा गया कि 10 डेज में आप 20 समोसास बना ले रहे हैं, 20 समोसास बना ले रहे हैं सिंघाड़ा, 10 दिन में आप 20 समोसा 20 सिंघाड़ा बना ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। तो 5 डेज में कितना समोसा बना पाइएगा, तो 10 दिन में 20, तो 5 दिन में कितना, ऑब्वियस सब बात है कम बना पाएंगे, कितना कम, तो 10 दिन में अगर 20 तो 5 दिन में 10 ही समोसा बना पाएंगे, 10 ही समोसा, सिंपल सा बात है। एक दिन में, 1 डे में कितना, तो 5 दिन में अगर 10-10 समोसा बना ले रहे हैं, पाँच ही दिन में 10 समोसा बना ले रहे हैं, मतलब क्या कि हर एक दिन हम 2 समोसा बना रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना, 2 समोसा। अगर 10 दिन में 20 समोसा बना रहे हैं तो 5 दिन में उसका आधा दिन में आधा समोसा बनेगा, 10 समोसा। एक दिन में कितना, तो 2 समोसा। क्या कर रहे हैं इसको देखिए गौर से, क्या कर रहे हैं, ये 2 कैसे आया यहाँ पे, तो हम इसको एक्चुअली क्या किए, इसको लाने के लिए हम क्या किए, हम 10 को डिवाइड कर दिए इससे 5 से, तभी आ गया 2। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ था और 5 डेज में कितना ये पूछा जा रहा था मान लीजिए, तो ये आ गया कॉमन सेंस से, बट ये आया कैसे, तो इसको इससे डिवाइड किए, 20 को 10 से डिवाइड किए, इसमें भी 10 को डिवाइड किए 5 से। मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं, ये 20 क्या है, ये है टोटल वर्क, सिर्फ इसको और इसको देखे तो ये है टोटल वर्क। मतलब हमको क्या करना है, कोई अगर पूछे कि कितना, इतना दिन का कितना, 1 डे का कितना, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क जो था पहले, टोटल वर्क मतलब उससे पहले, जैसे इस 1 डे वर्क के लिए, इस 1 डे वर्क के लिए यही टोटल वर्क था, इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं तब देखिए समझ में आएगा। जैसे हम 10 डेज का 10 समोसा, तो एक दिन में कितना समोसा बना पाते 1 डे में, तो 20/10 समोसा, मतलब एक दिन में हम 10 ही समोसा बना पाते। कैसे आया ये चीज़, तो 20/10 करके, 20 क्या है टोटल वर्क TW, 10 क्या है टोटल नंबर ऑफ डेज TD, टोटल नंबर ऑफ डेज। तो एक दिन का वर्क करने के लिए, वर्क निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल वर्क बाय टोटल डेज, टोटल डेज कितना था, टोटल डेज पहले लिख देते हैं यहाँ, टोटल डेज ये कर रहे हैं। अच्छा, बट ये जो काम है वो दे दिया गया है 20 समोसा, तो ये एक्चुअली समोसा बताया गया है, बट क्वेश्चन में क्या बोलेगा ना कि आपको 10 दिन में कोई एक काम करना है, कोई एक काम, वो काम क्या है, तो 20 समोसा बनाना है, बट 20 समोसा वाला चीज़ को छुपा लेगा, वो लोग बोलेगा कोई एक काम करना है 10 दिन में, वन यूनिट वर्क, इसको ही क्या बोलते हैं, वन यूनिट ऑफ वर्क करना है, एक यूनिट, 20 समोसा मतलब एक यूनिट वर्क, एक काम दिया गया आपको कि भाई तुमको 10 दिन में 20 समोसा बनाना है, तो भी वो एक यूनिट काम है। अगर बोलते 10 दिन में आपको 40 समोसा बनाना है तो भी वो 40 समोसा ही आपका एक यूनिट वर्क हो जाता है। ठीक है, इतना बात समझ आ रहा है, तो अब ये छुपा लेगा मान लीजिए,
20 समोसा, तो यहाँ पे क्या लिख देगा, एक यूनिट काम, एक यूनिट काम, ठीक है। तो अब हमको एक दिन का काम निकालना है, एक दिन में कितना काम हुआ है, एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम हुआ होगा। तो हम क्या बोले, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है इस बार, इस बार 10 समोसा, 40 समोसा, 50 समोसा कुछ तो दिया हुआ नहीं है। टैंक भरना, कितना टैंक भरना, कितना लीटर टैंक भरना नहीं दिया हुआ है, बस एक काम दिया टैंक भरना है, मतलब वन यूनिट वर्क दिया हुआ है, वन यूनिट वर्क। और बाय क्या कर देंगे, बाय टोटल डेज, कितना डेज था, 10 दिन। मतलब एक दिन का काम कितना आ गया, 1/10, 1/10। मतलब जी कोई भी काम हो वो 1/10 हो जाएगा उस काम का। 10 दिन में अगर एक काम हो रहा है तो एक दिन में उसका 1/10 होगा। 10 दिन में अगर एक काम, 10 दिन में अगर, 10 डेज में अगर, फिर से 10 डेज में अगर एक काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, तो हम लोग बोलेंगे 1/10 ऑफ दैट काम, ऑफ दैट काम। 10 दिन में अगर एक काम हो रहा है तो एक दिन में उसी काम का 1/10। तो कितना काम हो रहा था, 20 समोसा वाला काम हो रहा था, तो एक दिन में कितना काम होगा इसी काम का, इसी काम का, 1/10 ऑफ, ऑफ मतलब इनटू, 1/10 ऑफ, ऑफ मतलब इनटू, ऑफ दैट काम, ऑफ दैट काम क्या था इस केस में, 20। तो अब काट देंगे इसको तो 2 आ जाएगा। मतलब क्या याद रखना है, घूम फिर के कॉन्सेप्ट को साइड रखते हैं, आप बाजू हटो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से हम लोग शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं, क्या कि यहाँ पे कोई अगर ऐसे दे दे कि x डेज में, याद रखने वाला बात यही है, x डेज में अगर एक यूनिट काम हो रहा है, वन यूनिट वर्क, तो 1 डे में कितना काम होगा, तो 1/x ऑफ दैट वर्क, या फिर 1/x पार्ट ऑफ दैट वर्क, ठीक है। सिमिलरली अगर x आवर्स में सम वन यूनिट वर्क हो रहा है, कंप्लीट वर्क, हम यूनिट वर्क नहीं लिख रहे, एक काम हो रहा है, ठीक है, एक काम, तो एक घंटा में कितना काम होगा, एक घंटा में कितना काम होगा, तो 1/x पार्ट ऑफ दैट वर्क। ये बात समझ में आया क्या, ठीक, इतना बात समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही मेरी चीज़ टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क का निचोड़ है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखना है। इसको हम लोग कहीं साइड में लिख लेते हैं कि एक्स आवर्स, यहाँ पे घंटा का बात है, दिन का बात है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग इसको उठा लेंगे, पिक कर लेंगे कि एक्स घंटा में अगर एक काम होता है तो एक घंटा में वो 1/x काम होता है, ये काम है, वर्क है, ये वर्क, पार्ट ऑफ दैट वर्क, नॉट टाइम, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, ओके। अभी हम लोग इस पर आते हैं क्वेश्चन पे फिर से। अभी देखिए, मान लीजिए क्या बोला है कि टैप जो लार्जर डायो वाला है और टैप जो स्मॉलर डायो वाला है, वो लोग दोनों मिलके इतना टाइम लगा रहे हैं, 75/8 आवर्स। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जैसे एक आवर्स था ना, तो 75/8 आवर्स बोल देते हैं इसको। 75/8 आवर्स में टैप वन और टैप टू, इन 75/8 आवर्स टैप एल एंड टैप एस टुगेदर डज वर्क इक्वल टू कितना, 1। मतलब पूरा कंप्लीट वर्क कर दे रहा है, एक काम पूरा कंप्लीट कर दे रहा है। तो टैप एल और टैप एस का एक घंटा का काम कितना होगा, इतना घंटा में एक काम कर रहा है, तो एक घंटा में, 1 आवर में कितना काम करेगा, 1 आवर वर्क कितना होगा, तो 1/, और जो x था, x कितना था ये, तो 75/8। नहीं समझ में आया, अरे x घंटा में एक काम करता है कोई, 1W, तो एक घंटा में कितना, 1/x वर्क। तो x घंटा के जगह में यहाँ पे 75/8 घंटा है, कौन कर रहा है वो काम, लार्जर डायो वाला टैप और स्मॉलर डायो वाला टैप, कितना काम कर दे रहा है, पूरा काम कर दे रहा है, उसी को तो 1 यूनिट वर्क बोलते हैं, तो लिख दिए 1। तो अगर 75/8, देखिए 75/8 घंटा में एक काम कर रहा है, तो एक घंटा में कितना काम करेगा, 1/75/8 नहीं करेगा,
वही चीज़ तो हुआ है पूरा, खाली स्टेटमेंट लिखे हैं तो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। हम ओवरऑल लिखे यही है कि 75/8 आवर्स में कोई पता नहीं कौन एक काम कर रहा है, तो एक घंटा में कितना काम करेगा, तो 1/75/8 ऑफ दैट काम। अब वो कौन कर रहा है तो हमको पता है, टैप एल और टैप एस, लार्जर डाय वाला टैप और स्मॉलर डाय वाला टैप मिल के इतना घंटा में एक काम कर रहा है, तो एक घंटा में कितना काम करेगा वो दोनों मिलके, इतना। तो हम लोग लिख दिए कि टैप एल और टैप एस का एक घंटा का वक्त इतना है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं, इस 8 को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 8/75, इतना पार्ट ऑफ वर्क हो रहा है। गजब, बोलो गजब, समझ में आया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। तो मतलब इतना समझ में आ गया कि टैप एल और टैप एस एक घंटा में इतना काम कर रहा है, ठीक है। टैप एस पूरे काम को एक्स डेज में कर ले रहा है, कहाँ लिखे थे, यहाँ पे एक्स आवर्स में कर ले रहा है। मतलब जो टैप एस है, अभी टैप एस का बारे में बात कर रहे हैं हम, एक्स आवर्स में वन काम कर ले रहा है, मतलब वो जो काम था टैंक भरना उसको पूरा पूरी कर ले रहा है, तो एक घंटा में कितना काम करेगा ये टैप एस, तो 1/x करेगा। मतलब टैप एस अकेला करता अगर तो 1/x काम कर लेता एक घंटा में, एक घंटा में कितना काम कर लेता, 1/x। और टैप एल कितना कर लेता, तो टैप एल का बात कर रहे हैं अभी, टैप एल कितना टाइम लगाया था, तो x-10 आवर्स लगाया था पूरे काम को करने के लिए, मतलब इक्वल टू 1। तो अगर एक घंटा होता, यहाँ पे ये एरो ही लगाते हैं, अगर एक घंटा काम करता, 1 आवर काम करता, तो कितना काम कर पाता, 1/x-10 इतना ही काम कर पाता। फिर से समझते हैं, टैप एस एक्स घंटा में एक काम करता है, तो एक घंटा में 1/x। टैप एल x-10, अब x का जगह में x-10 है, वो पूरा काम कर लेता है x-10 आवर्स में पूरा काम, तो एक घंटा में कितना काम, 1/x-10। सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बार बार। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि एक घंटा में ये इतना काम, एक घंटा में ये इतना काम, दोनों को साथ में प्लस कर देंगे, दोनों का एक एक घंटा काम निकल जाएगा, और प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए, दोनों का मिला के एक घंटा का काम, जो कि हम लोग को पहले से पता है 8/75, दोनों का मिला के एक घंटा का काम कितना है, 8/75 है कि नहीं। तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप लोग स्टेटमेंट और अपने से खुद से लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। हो गया, मैं ऊपर वाले को मिटाऊँ, इसको मिटाता हूँ फर्स्ट लाइन को बस। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं कि टैप एल का एक घंटा का वर्क कितना है, 1/x। टैप एल का एक घंटा का काम कितना है, तो 1/x-10। इसका एक घंटा का काम और इसका एक घंटा का काम दोनों को अगर जोड़ दें, मतलब मान लीजिए ये 9 से 10 कर रहा है एक घंटा काम, 9 से 10 एक घंटा काम कर रहा है, सुबह 9 से सुबह 10 तक, और ये भी वही एक ही घंटा काम कर रहा है बट सेम टाइम में, 9 बजे से लेके 10 बजे तक। दोनों को अगर एक साथ चला दें हम उसी टैंक में सेम चला दें, एक साथ चला दें, तो हो जाएगा टुगेदर एक घंटा में कितना काम कर रहा है, मतलब दोनों मिलके 9 से 10 तक कितना काम कर रहा है, तो वो लोग कितना काम कर रहा है, जितना ये दोनों मिलके एक घंटा में काम कर रहा है जो निकाल चुके हैं वही कितना है, 8/75। तो यही तो इक्वल है 8/75 के। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बोले, ये टैप एल है मान लीजिए, ये टैप एस स्मॉलर डाय वाला टैप, वो 9 बजे से लेके 10 बजे तक अगर खुला छोड़ते हैं, 9 बजे से लेके 10 बजे तक खुला छोड़ते हैं एक घंटा, तो वो इतना पार्ट भर देता है, पूरा नहीं भरता है, पूरा तो भरता है एक घंटा में, बस हमको एक घंटा में पूरा भर देता है, बट हम एक ही घंटा खोल के रखे हैं, पूरा एक घंटा खोल के नहीं रखे हैं, तो एक घंटा खोल के रखे तो कुछ पार्ट करेगा पूरा का, तो कितना पार्ट, इतना पार्ट करता है। और लार्जर डाय वाला जो टैप है टी एल, उसको अगर उसी टाइम पे 9 से 10 एक घंटा के लिए खुला छोड़ देते हैं साथ में उसी टैंक में ही मुंह लगा के इस तरह से कुछ, ये स्मॉलर डाय वाला टैप इसमें पानी गिर रहा है ऐसे, और एक लार्जर डाय वाला टैप इससे भी पानी गिर रहा है, दोनों 9 से 10 चल रहा है, दोनों को अगर मिला देंगे प्लस कर दिए तो दोनों का इसका एक घंटा में जितना काम होगा इसका एक घंटा में, मतलब 9 से 10 में इसका काम और इसका काम दोनों ले लेंगे हम, और वही चीज़ यहाँ निकाल के रखें कि दोनों का मिला के एक घंटा में कितना काम होता है, तो 8/75 काम होता है, 8/75 काम होता है, तो ये काम मिला के 8/75 कर दिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो इतना ही था कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, इतना अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, उसके बाद तो खाली सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। हो गया, ठीक है।
ये हो जाएगा फिर x, x माइनस टेन, नेक्स्ट स्टेप में x और x माइनस टेन का एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस टेन, क्योंकि इस पूरे को डिवाइड करेंगे x से, x x कट जाएगा, x माइनस टेन बचेगा, वो वन से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस टेन आएगा, प्लस इसको पूरे को डिवाइड करेंगे x माइनस टेन से, तो x माइनस टेन पूरा कटेगा, बचेगा x, x इंटू वन हो जाएगा x, और इक्वल टू 8 बाई 75। यहाँ पे कितना कितना होगा, ये x और x मिलकर बनेगा 2x और माइनस टेन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा का पूरा किससे, 75 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया इधर, और 8 के साथ कौन आ जाएगा, ये पूरा 8x और x माइनस टेन। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 75 इंटू टू, कितना होता है 75 इंटू टू, 150, राइट, 5 × 10 = 14 = 15, 150x और माइनस 750 इक्वल टू कितना, यहाँ पे हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस 80, इतना आ रहा है। सब चीज़ को उधर लेके जाते हैं क्योंकि उधर x स्क्वायर है अपना, तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या क्या बचेगा, 8x स्क्वायर, इस 150 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 150x माइनस 80 तो लिखा ही हुआ है, और प्लस 750 चला जाएगा उधर। अब इक्वल टू 0 इधर ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, उधर इक्वल टू 0 लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8x स्क्वायर माइनस 150x और 750 माइनस 80 कितना हो जाएगा वो देखते हैं। 750 से पहले 50 माइनस कर दीजिए, ये तो प्लस में ही आएगा आंसर क्योंकि ये बड़ा है, 50 माइनस कर देते तो 700 हो जाएगा, और 700 से भी 30 माइनस कर देते हैं, 30 माइनस क्योंकि 50 प्लस 30 80 होता है, 30 माइनस कर देंगे 700 से तो हो जाएगा 670, ये आ गया इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 75x, 335 इक्वल टू 0। इसको ही आपको हमको सॉल्व करना है किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ पे 8x इंटू 10 हो जाएगा 80x, तो यहाँ पे भी आएगा 80x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ और माइनस 150 माइनस 80 तो हो जाएगा 230x माइनस ऑफ, और प्लस 750 ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसको आप मिटा दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म, या इसको मैं मिटाऊं, हो गया सॉल्व करूं, नोट डाउन कर लीजिए अगर करना है तो, हो गया ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, ये 750 और इधर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 56 और इधर 6000 आ रहा है, मतलब हमको इस 6000 को ब्रेक करके 230 लाना है, तो 200 इंटू 30 करने से भी आ जाए, 200 प्लस 30 हाँ इससे भी आ जा रहा है, तो 200 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 भी आ जा रहा है, और 200 और 30 को प्लस करेंगे तो 230 भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x, ताकि माइनस माइनस हो जाए प्लस और आ जाए 230 और साइन भी हो जाए माइनस का, और प्लस 750 इक्वल टू 0। इस दोनों में से क्या कॉमन ले बताइए, 8x यहाँ पे x बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 8 2 16 20 माइनस 16 4 4 और 0 40 तो 8 5 जा 40 माइनस, इससे भी 30 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 30 इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 25 इक्वल टू 0, तो फिर से x माइनस 25 कॉमन लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा 8x माइनस 30 और इक्वल टू 0, तो एक बार हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, जिसमें आ जाएगा x इक्वल टू 25, x क्या था, x आवर्स था, x घंटा था, जो स्मॉलर डाया वाला टैप लगा रहा था पूरे टैंक को भरने के लिए, तो 25 घंटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। इसमें देखते हैं 30 बाई 8, तो 8x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 8, मतलब लगभग कितना हो रहा है बताइए, तो इसको 30 अपॉन 8 लगभग में कितना हो रहा है, 8 टू जा 16, 8 से 24 पॉइंट 60, 87 या 56 के आसपास, मतलब 3.7 आवर्स के आसपास आ रहा है। अब दिक्कत यह है कि ये स्मॉलर टैप का आया, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ये भी है टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, दोनों में से कोई एक होगा, ये आइदर और वाला है, बट इससे अगर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप निकालेंगे तो 10 घंटा काम कर सकते हैं, x माइनस 10 मतलब 25 माइनस 10 मतलब 15 घंटा लगा होगा, मतलब एक आंसर 25 घंटा,
कि स्मॉलर टैब जो है, स्मॉलर टैब वाला जो टैब है वो 25 घंटा लगा रहा है, 25 आवर्स लगा रहा है, और लार्जर टैब वाला जो टैप है वो 15 आवर्स लगा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत हो जा रहा है, यहाँ पे जो स्मॉलर टैब वाला टैप है वो तो 3.7 आवर्स आ रहा है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, टाइम पॉइंट में हो सकता है, इसका इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। बट दिक्कत यह है कि लार्जर टैब वाला टैप 10 घंटा कम लगाता है, मतलब 3.7 माइनस 10 मतलब कुछ माइनस में आंसर आ जाएगा। टाइम कभी नेगेटिव में लग सकता है क्या? टाइम हमेशा जीरो होगा। मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम लग सकता है? जीरो टाइम, कुछ टाइम नहीं लगा, एक सेकेंड, दो सेकेंड, जीरो सेकेंड, माइनस टू सेकेंड किस में लग सकता है? तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मेरे पास आया क्या आंसर, 25 आवर्स एंड 15 आवर्स। स्मॉलर टैप टेकन टाइम टू फिल द टैंक सेपरेटली इज 25 आवर्स, एंड द लार्जर डायर टैप टेकन टू कंप्लीट या फिर टू फिल द टैंक सेपरेटली इज 15 आवर्स। दैट्स इट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9।